बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा व्रत गुप्ता की लिखी कहानी नेम प्लेट। ड्राइंग शीट का एक पन्ना अपने हाथों में लिए मैं कब से कमरे के कोने में बैठी थी। कभी उस पन्ने को देखती तो कभी रुंझुन को। रुंझुन मेरी 7 साल की बेटी, वो जो सामने पलंग पर सोई है। कितनी मासूम दिखती है ना सोते हुए, पर मासूम नहीं है वो, बिल्कुल नहीं। सब समझती है, अच्छा बुरा सही गलत दुख सुख सब कुछ। सच बताऊं तो मैंने उसे सब कभी नहीं सिखाया। मेरे पास इतना वक्त ही कहाँ था जो ये सब सिखा पाती। जितना था वो मैंने उसे प्यार करने, उसके साथ खेलने और उसे कहानियां सुनाने में बिताया है। कभी कभी लगता है कि मेरी सुनाई उन कहानियों से ही उसने सब कुछ सीखा है। ये भी कि उसे कभी मासूम नहीं बनना। मासूमियत के पीछे घुटते हुए चेहरे देखे हैं मैंने, जो मासूमियत की आड़ में अपना कितना कुछ खो देते हैं और एक दिन मासूमियत भी। मैंने भी खोया था, पति, अपना घर, माँ बाप, भाई बहन, मायका, ससुराल, सब कुछ। लेकिन उसे खोने का मुझे जरा भी मलाल नहीं। ना खोती तो ये सब कैसे कर पाती जो अब तक किया, कैसे उन बंधनों से आजाद हो पाती जो पल पल मेरा गला घोंट रहे थे, कैसे अपनी ही आजादी के लिए इतनी हिम्मत जुटा पाती कि सब कुछ छोड़कर अकेली चल सकूं, अकेली रह सकूं एक अनजान शहर में, तब जब रुंझुन बस 1 साल की थी। कुछ नहीं जानती थी तब यहां के बारे में, कोई अपना भी नहीं था यहां। लेकिन पराए कब अपने बनते गए और अपने पराए होते गए, इस शहर के साथ दौड़ते हुए मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ। और अब जाकर ये शहर मेरा अपना हुआ है, अपना भी लिया है इसने मुझे, अपने दामन में थोड़ी सी जगह दे दी है, वो जगह जो मेरा घर है, मेरा अपना घर। आज सुबह ही घर का गृह प्रवेश हुआ था। ऑफिस से कुछ लोग आए थे और अपने साथ मेरे नए घर के लिए तोहफे भी लाए थे। लेकिन उन सारे तोहफों से अलग एक तोहफा सबसे खास था, वो इस वक्त मेरे हाथ में है। ये ड्राइंग शीट का पन्ना जो मुझे मेरी बेटी ने दिया है। ये सिर्फ पन्ना नहीं है, ये वो सपना है जो पिछले 5 सालों से दिन रात मेरी आंखों में तैरता था। रुंझुन जानती थी उसकी मम्मा को क्या चाहिए, इसलिए उसने मेरे उस सपने को अपने नन्हे हाथों की कलाकारी से कुछ यूं सजाया कि पहले तो मैं खूब मुस्कुराई, लेकिन फिर कुछ बीता याद आ गया और धीरे धीरे मेरे गालों पर आंसुओं की लकीरें खींचने लगी। मेरे आंसुओं को आज सालों बाद रिहाई मिली थी, वरना पिछले 5 साल में कहां रोई थी मैं। सुपर मम्मा जो बन गई थी, और सुपर मम्मा कभी नहीं रोती। रुंझुन मेरी पलकों पर जब अपनी नन्ही हथेलियां रखकर ये कहती तो मेरे आंसू रास्ता भूल जाते और होठों पर मुस्कान बनकर उतरने लगते। उसके घुंघराले बाल और नन्ही गुलाबी हथेलियों में मैंने जमाने भर की खुशी पाली थी। उसकी गुड़ जैसी बोली ने पिछली सारी कड़वाहट पी ली थी। उसने मुझे कभी नहीं रोने दिया, लेकिन आज मैं रो रही थी, उस अतीत को याद करके जब आंसू मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। वो हिस्सा जिसे छिटक कर बहुत दूर फेंकना चाहती थी मैं, लेकिन जकड़ गई थी कुछ ऐसे रिश्तों में जो मैंने खुद चुने थे। हिमांशु से शादी करने का फैसला मेरा ही था। सब कुछ एक सपने की तरह हुआ था तब, या शायद उस कहानी की तरह जो बचपन में मोहल्ले वाली आशा ताई ने हमें सुनाई थी, जिसमें सफेद घोड़े वाला राजकुमार राजकुमारी को फूलों के बड़े बड़े बागीचे दिखाने ले जाता, राजकुमारी गोटे वाला मखमली लहंगा पहनती और फिर दोनों वहीं बागीचे में साथ फेरे लेते। ताई जी, मखमली कपड़ा कैसा होता है, मैंने पूछा था ताई से, और उन्होंने मेरे गाल कस कर खींचे और कहा, बिल्कुल ऐसा। मैंने फिर पूछा, और ताई फेरे। ताई कुछ पल खामोश रहीं, फिर ऊपर बादलों की ओर देखते हुए बोली,
फेरे फेरे बंधन होते हैं बिटिया, वो बंधन जो मन से हो तो जीवन और जो मन से ना हो तो घुटन। ताऊ बहुत शराब पीते थे, इतनी कि नशे में उन्होंने ताई के शरीर पर न जाने कितने घाव दिए थे, फिर भी ताई उनके साथ रहती। मैं हमेशा सोचती थी कि ताई ऐसे आदमी के साथ क्यों रहती हैं जो शराब पीता है, उन्हें मारता है और पूरे मोहल्ले के सामने भली बुरी सुनाता है, क्यों वो उन्हें छोड़कर अपने घर नहीं चली जाती। कितने सवाल थे तब मेरे मन में, लेकिन जवाब मिले बिना ही मैं उनको भूलती गई, अपनी जिंदगी में आगे जो बढ़ रही थी। लेकिन कहते हैं कि कुछ सवालों के जवाब हमें वक्त देता है, बल्कि अब वो जवाब मुझे मेरे लिए ही तलाशने थे, और ऐसे सवाल सबसे मुश्किल होते हैं जो हम खुद से पूछते हैं। जैसे मैं पूछती थी, क्यों नहीं चली जाती मैं हिमांशु को छोड़कर, क्यों सह रही हूं ये सब कुछ, क्यों मैं किसी को नहीं बोल सकती कि मुझे घुटन होती है इस रिश्ते में, मैं भागना चाहती हूं यहां से बहुत दूर जहां मैं सांस ले सकूं। जिंदगी में अकेलापन तकलीफ नहीं देता, तकलीफ वो भीड़ देती है जिसमें होकर भी आप अकेला महसूस करें, और अगर वो भीड़ अपनों की हो तो दर्द बहुत गहरा होता है। मैं भी तब ऐसी ही भीड़ का हिस्सा थी जिसके साथ मुझे एडजस्ट करना था, किया भी। हिमांशु की उन बिजनेस पार्टियों के साथ एडजस्ट किया जिनमें मैं बस एक बुत की तरह किसी कोने में खड़ी रहती, क्योंकि मैं वो भाषा नहीं बोल पाती थी जो हिमांशु के लिए एक स्टेटस सिंबल थी। मैं वो कपड़े पहनने में कंफर्टेबल नहीं थी जो हिमांशु के लिए लेटेस्ट फैशन हुआ करते थे। मेरा खान पान, उठना बैठना, चलना बोलना, सब कुछ बदला जाना चाहिए ऐसा वो कहते थे। मैं उनके स्टैंडर्ड पर फिट नहीं बैठती ऐसा वो कहते थे। वो कहते और मैं कोशिश करती कि एडजस्ट करूं। उनकी आदतों के बदलाव में भी और उनकी हर उस आदत के साथ भी जो धीरे धीरे मेरी बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थी। आधी रात को नशे की हालत में घर आना, बेवजह झगड़ा करना, घंटों फोन पर रहना और फिर मुझे धमकाना भी कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो वो मुझको छोड़ देंगे। नहीं बताया था मैंने किसी को, कभी नहीं बताया। एडजस्ट जो करना था, कभी हिमांशु के साथ तो कभी उसकी माँ के उन तानों के साथ, वो जो लगभग हर रोज हर काम के बाद मुझे सुनने को मिलते। मैंने उस बदतमीजी के साथ भी एडजस्ट किया जो मेरा देवर मजाक के नाम पर कभी मेरी पीठ, कभी कमर तो कभी कंधे पर हाथ रख के करता। वो मुझे ऐसे घूरता मानो अपनी गंदी निगाहों से मेरे जिस्म को नोच खाएगा, और मैं फिर भी एडजस्ट करती रहती। घर की इज्जत का भार जो था मेरे सर पर, और उस भार को ढोते ढोते कब मैंने अपना आत्मसम्मान, अपनी इच्छाएं, अपनी ख्वाहिशों को दफन कर दिया पता ही नहीं चला। बस एडजस्टमेंट के साथ जिंदगी जीने लगी थी मैं। बेटा शुरू शुरू में सब होता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो तो फिर आगे सब ठीक हो जाएगा, माँ कभी कभी समझाती थी मुझे और मैं खुद को इस उम्मीद से कि एडजस्टमेंट करते करते सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस वक्त कैसे एडजस्ट करती जब डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और हिमांशु ने फटकारते हुए कहा कि तुम चाहे कुछ भी करो लेकिन यह बच्चा मुझे नहीं चाहिए, समझी तुम। हिमांशु नहीं चाहते थे कि यह बच्चा दुनिया में आए। उनके लिए बच्चा मतलब उनकी आजादी का छिन जाना था, जिम्मेदारियों में बंध जाना था, जो उन्हें कतई मंजूर नहीं था। मैंने चुप रहकर अपना विरोध दर्ज किया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या मतलब है अबॉर्शन नहीं कराओगी? अभी सिर्फ 8 महीने हुए हैं हमारी शादी को और तुम बच्चा चाहती हो? बेरहमी से मेरा हाथ पकड़ते हुए वो बोले तो चीख पड़ी थी मैं, नहीं नहीं कराऊंगी अबॉर्शन, नहीं मार सकती मैं अपने बच्चे को। मेरे चीखने का उन पर कोई असर नहीं था। वो फिर भी हॉस्पिटल ले जाने के लिए मुझे घसीट रहे थे, और फिर अचानक सब बदल गया। एक लालच ने मेरी कोख को जिंदगी दे दी, लालच जो हिमांशु की माँ ने उनको दिया था। समझाया था कि उनका होने वाला बच्चा उनके घर का वारिस होगा, वारिस जो उनका वंश आगे बढ़ाएगा। लेकिन हमारे समाज में वारिस तो सिर्फ लड़के होते हैं, लड़कियां थोड़ी। और मैंने 9 महीने बाद एक बेटी को जन्म दिया था। परिवार की परंपरा के खिलाफ था मेरी बेटी का आना। पहला बच्चा बेटा ना हो के बेटी हो तो अपशगुन होता है, यही कहा था हिमांशु की मां ने मेरे पापा से।
हिमांशु दूर खड़े थे, ऐसे जैसे न तो मुझे पहचानते हों और न उस बेटी को जो उन्हीं का अंश थी। शायद इसीलिए मुझे लगा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। कुछ लोग अपनी सोच के साथ वहीं ठहरे रहते हैं अड़े हुए से, और हिमांशु भी उन्हीं में से एक निकला। एक रात रुंझुन के जोर से रोने पर जब हिमांशु ने नशे की हालत में उसे झकझोरते हुए बेड पे पटका तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, जोर से परे धकेल दिया उसे और फिर खुद को रोकते हुए मैं रुंझुन से लिपट गई। हिमांशु पर हैवानियत सवार थी, वो मुझे झकझोरने लगे। मुझे धक्का दोगी, तुम्हारी ये हिम्मत, वो चीख रहे थे। फिर घसीटते हुए मुझे बाहर दरवाजे पे लाए और दरवाजा बंद कर दिया। मैं किसी बेसहारा की तरह घंटों मिन्नतें करती रही, मत करो ये सब हिमांशु, प्लीज, ये मेरा भी घर है हिमांशु, दरवाजा खोलो प्लीज। मैं बोलती रही पर दरवाजा नहीं खुला। जैसे तैसे आधी रात मैं रुंझुन को लेकर अपने घर पहुंची थी। उस दिन पहली बार सबको सब कुछ बताया था मैंने। माँ सिसक रही थी, पापा खामोश थे, भाई गुस्से में था और भाभी मुझे तसल्ली दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ रिश्ते बहुत पहले ही दम तोड़ देते हैं, लेकिन हम उन्हें किसी भी तरह से बचाने की कोशिश करते हैं। मेरा और हिमांशु का रिश्ता भी ऐसा ही था, जिसे खत्म होने के लिए बस कुछ बूंद स्याही की दरकार थी, वो स्याही जो मुझे उन कागजात पर फेरनी थी जो हिमांशु ने भेजे थे। तलाक चाहिए था उन्हें, और मैंने भी तलाक के उन कागजात पर दस्तखत करके खुद को और उनको इस रिश्ते से आजादी दे दी। परेशानियों से आजादी मिलना आसान नहीं होता, कीमत लगती है, वो कीमत जो मुझे भी अदा करनी थी। शायद इसलिए मेरी जिंदगी जितनी बेरहम तलाक के पहले थी उससे कहीं ज्यादा तलाक के बाद हो गई थी। अचानक बोझ बन गई थी मैं सबके लिए, वो बोझ जिसे कोई भी उठाना नहीं चाहता था। जब हिमांशु से तलाक लेने का फैसला किया था तो घर में सब ने मेरी पीठ थपथपाई थी, सर पे हाथ फेरते हुए शाबाशी भी दी थी, लेकिन फिर वो सारे हाथ धीरे धीरे मेरे सर से उठते चले गए। बात इज्जत पर जो आने लगी थी। शादीशुदा बेटी को घर में बैठाना कितना बड़ा बोझ होता है, ये मुझे उस दिन पता चला जब मैंने बड़े भैया को कहते सुना, घर की बात घर में रहे तो अच्छा है पापा, वरना किस किस को जवाब देंगे हम। अभी कुछ दिन के लिए निशा को बड़ी बुआ के पास छोड़ आते हैं, वहां रहेगी तो हम सब के लिए भी अच्छा रहेगा। मैं उनको देखती रह गई। पापा खामोश थे, उनकी खामोशी चुप गई थी मुझको। क्यों नहीं कहा था पापा ने कि ये घर मेरा भी है? क्यों नहीं कहा था उन्होंने कि मैं यहीं रहूंगी इसी घर में? क्यों वो चुप रहे? सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? सिर्फ इसलिए कि वो लोगों को नहीं बता सकते थे कि उनकी बेटी का तलाक हो गया है? वो अब साथ रहती है उनके, यहीं उनके अपने घर में, जहां वो पैदा हुई, जहां पली बढ़ी, जहां एक साल पहले तक सब कुछ उसका अपना था, और आज उसके अपने ही घर में उसके लिए जगह नहीं थी। सच भी था, मेरा कोई घर नहीं था। लड़की का कोई घर होता भी नहीं है, या तो मायका होता है या ससुराल होता है। मेरे पास अब दोनों ही नहीं थे, इसलिए मुझे अपना घर बनाना था, मेरा अपना घर, जिस घर के बाहर मेरा नाम हो। क्योंकि दर्द तब नहीं हुआ था जब हिमांशु ने घसीटते हुए मुझे अपने ही घर से बाहर निकाला था, दर्द मुझे तब हुआ था जब मेरे अपने ही लोग चालाकी से मुझे मेरे ही घर से निकाल रहे थे। बिल्कुल अकेली पड़ गई थी मैं उस भीड़ में जो मेरे अपनों की ही थी। अकेलापन अक्सर मेरी आंखों में आंसू बनकर छलकने लगता, बस उम्मीद दिखती तो रुनझुन की चमकती हुई उन आंखों में जो किसी सितारे की तरह मुझको देखती और यकीन दिलाती कि सब ठीक हो जाएगा। और हुआ भी, तब जब एक दिन मैंने भी बड़ी ही चालाकी से एक खाली लिफाफा दिखाते हुए सबसे कह दिया, मेरी नौकरी लग गई है, मुझे दिल्ली जाना है। बचपन में माँ सिखाती थी झूठ बोलना पाप है, और पापा कहते झूठ बोलने से अगर किसी का भला हो तो वो पाप भी पुण्य है। मैंने भी पुण्य किया था, अपनी झूठी हंसी और उस झूठी खबर को बताकर सबके चेहरे पर तसल्ली का लेप लगा दिया था, सबको यकीन दिला दिया था कि वाकई एक बड़ी सी कंपनी मुझको नौकरी दे रही है। इतने फायदे गिनाए थे मैंने कि घर वालों के माथे मेरे बोझ से घिराई सारी सलवटें मिट गई थी। फिर कुछ दिन बाद मैं रुनझुन को लेकर दिल्ली आ गई। माँ दरवाजे तक छोड़ने आई थी, अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली,
माफ कर देना बेटा, उन्होंने ये कहा तो लिपट गई थी मैं उनसे, लेकिन रोई नहीं, बिल्कुल नहीं रोई, रोना भी नहीं था। वक्त की जरूरत थी कि मैं सारी हिम्मत बटोर कर उन चुनौतियों के लिए तैयार रहूं जो मेरा इंतजार कर रही थी। तब ये शहर दिल्ली मेरे लिए बिल्कुल नया था, लेकिन दोस्त वही पुराने थे जिन्होंने तब मेरा साथ दिया जब सारे रिश्ते मुझे बेमानी लगने लगे थे। उस वक्त किसी ने मुझे अपने घर में अपने साथ रखा तो किसी ने नौकरी के लिए मेरे साथ ऑफिसों के चक्कर काटे। सच कहूं तो शुरुआत में बहुत कुछ इसलिए भी आसान हो गया क्योंकि मैं एक अकेली माँ थी। कुछ सहूलियतें मिली थी मुझे, जैसे मैं ऑफिस में रुनझुन को ले जा सकती थी, लेकिन अकेली माँ होना मेरे लिए मुश्किलों से भरा भी था। जब लोग अक्सर हर बात पे पूछ बैठते, और रुनझुन के पापा, शुरू शुरू में बहुत अजीब लगता था ये कहना कि वो हमारे साथ नहीं रहते, बोलते हुए घबराहट सी होती थी। लेकिन उस दिन से वो घबराहट भी दूर हो गई जब मैं पहली बार स्कूल में रुनझुन का एडमिशन कराने गई और पापा के बारे में पूछने पर मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो मुस्कुरा कर बोली, मैं मम्मा के साथ ही रहती हूँ मैम, पापा हमारे साथ नहीं रहते। वो इतनी समझदार कैसे थी मुझे नहीं पता, मैं जानती थी तो बस इतना कि वो अपने बचपन में ही बड़ी हो गई थी, इतनी बड़ी कि अपने गुल्लक के सिक्कों को मेरे हाथ में देते हुए कहती, मम्मा आप ये वाले पैसे भी बैंक में रख दो, फिर आपका घर जल्दी बन जाएगा। मुस्कुरा दी थी मैं जब उसने ये कहा। आपको कैसे पता मम्मा को घर चाहिए? पता है मम्मा, उसने धीरे से कहा और फिर कुछ ठहर कर बोली, वो स्टोरी वाली स्ट्रांग क्वीन आप ही हो ना मम्मा? उसने पूछा तो मैंने कस कर उसको गले से लगा लिया। आंखें भीगने लगी थी मेरी, मुझे याद आ रही थी अपनी ही बनाई वो कहानी जो कुछ महीने पहले मैंने उसे सुनाई थी, उस क्वीन की कहानी जिसका कोई घर नहीं होता और वो भगवान से रोज प्रार्थना करती है कि वो उसे एक मैजिक स्टिक, एक जादुई छड़ी गिफ्ट करें ताकि उससे वो अपना घर बना सके और उसके बाहर एक नेम प्लेट भी लगाए जिस पर उसका नाम लिखा हो। मेरी वो कहानी कहानी नहीं, हकीकत थी। रुनझुन ये समझ गई थी, इसीलिए उसने मुझे ये ड्राइंग शीट का पन्ना गिफ्ट किया था। उस पर एक नेम प्लेट बनाई थी उसने, चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों से सजी। उस पर लिखा था, मम्मा का घर। बस इतनी सी थी ये कहानी।